उधम सिंह नगर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने बाजपुर दोराहा चौकी पुलिस में हड़कंप मचा दिया। नाबालिग किशोरी को बाइक पर बाजार लेकर जाना एक युवक को भारी पड़ गया। सूचना पर परिजनों ने युवक के साथ जमकर मारपिटाई की, जो कि मामला देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया और खूब लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें 13 लोग घायल हो गए, जिसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद भी बाजपुर दोराहा पुलिस कार्रवाई करने में नाकामयाब साबित हुई। पुलिस उनके पंचायत का इंतजार करती दिखाई दी। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के बाजपुर विधानसभा के ग्राम कनोरा में एक युवक नाबालिग लड़की को बाइक पर बाजार लेकर जा रहा था, जिसके चलते गाँव के दो पक्षों में जमकर मारपिटाई शुरू हो गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर खूब चलने लगे, जिसमें दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 6 घायलों को उपचार के लिए रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों को उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन अभी तक दोराहा पुलिस चौकी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। देखिए, कल ये सुबह की बात है, मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि ये कनौरी में जो है एक चाचा जो है अपनी भतीजी को कोई बाइक में बैठा करके ले आया था, तो दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया ये गलत नहीं, ऐसी इस बच्ची को जो है अपने साथ बैठा करके ले गया था। इसी बात को लेकर के इनके आपस में जो है कुछ विवाद हुआ था। अभी संज्ञान में तो हमारे है, लेकिन इनके द्वारा जो है किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अभी तहरीर नहीं दी गई है, और मैंने जो है वहाँ के चौकी इंचार्ज को इसकी जांच के संबंध में बताया कि ये जांच कर रहे हैं, अब इस संबंध में क्या ये घटना घटित हुई है, शरीर आने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर के पुलिस सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि बाजपुर के ग्राम कनोरा में कल एक नाबालिग लड़की के मामले को लेकर जमकर मारपिटाई हुई थी, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों तरफ से तहरीर आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूँ आपके साथ निहारिका बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।